आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन। इसके लिए एक बॉल में हमने ले लिया है दही। यहाँ पे दही हम 2 चम्मच ले रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, तंदूरी मसाला जिसे हमने बाज़ार से ले लिया है, तंदूरी मसाला 1 चम्मच और फूड कलर। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है स्मूथली। मिक्स हो चुका है, मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, आप देखिए। और यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन के एक बड़ा सा पीस, जिसमें हमने इस तरह से कट मार्क लगा दिया है, आप देख सकते हैं, जिससे मसाले इसमें अच्छे से भीतर तक चला जाए, फ्लेवर अच्छा आएगा। अब हम चिकन को मसाले में अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैं यहाँ पे हाथों के जरिए पूरे मसाले को अच्छे से लगा दूँगी चिकन पर। दोनों तरफ से हमें अच्छे से लगा देना है। और अब हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ देंगे फ्रिज में। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसमें हम चिकन को डाल देंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। इसमें हम इसे हम ढक के पकाएंगे। देखिए एक तरफ से ये हो चुका है, इसे हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पक रहा है। ये दूसरी तरफ से भी पक चुका है, इसे हमने अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर के लिए। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। फ्लेम को हमने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया है, कलर इसका बहुत ही खूबसूरत आया है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये दोनों तरफ से पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इधर से भी पक चुका है और ये इधर से भी अच्छा कलर आ चुका है इसमें, ये बिल्कुल रेडी। अब लास्टली हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर इसे हमने रख देना है। इसमें एक बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, इसी के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे फ्लेवर दे देंगे स्मोकी जैसा। फ्लेम को आप हाई रखें। दोनों तरफ से पलट के हल्का हल्का ऊपर का जो मसाला है वो जलना चाहिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलीशियस बनी है, इसका स्मेल बहुत ही गजब का आ रहा है। हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।